हेलो एवरीवन, हम लेकर के आए हैं अपना चौथा सेट जो इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। उम्मीद है आप लोगों ने इसके पहले के तीनों सेट्स को निश्चित तौर पर देखा होगा। क्वेश्चन के साथ जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है उसको नोट करने का काम किया होगा। अगर आप उसको नोट भी करते चलेंगे तो क्वेश्चन का आंसर देना आगे आपके लिए आसान हो जाएगा, साथ ही कई सारे और क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा उसका एक्सपानिशन सुनिए, जरूरत के हिसाब से उसको नोट कीजिए और अपने सेट को बढ़ाइए। सबसे पहले बेहतर ये होगा कि आप अपने चैनल विश्व भारती क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह का वीडियो लगातार मिलता रहे। तो दोस्तों, हम लोग आज के सेट में जो इंडियन पॉलिटिक्स है पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आपको यही बता दें कि पिछले सेट में या तीनों सेट में हमने आपको 5 सेकंड का टाइम दिया था जो कि अपर्याप्त था। कुछ लोगों ने कहा कि सर टाइम को थोड़ा बढ़ाया जाए, तो आज हम क्वेश्चन पढ़ने के साथ उसका ऑप्शन भी पढ़ेंगे और ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा जिसमें आपको अपना आंसर करना है। और फिर जैसा कि हम हर बार करते हैं, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और जरूरत के हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो हम लोग आते हैं अब पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, प्रभु दत्त बनाम भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित था? आपके सामने जो ऑप्शन है वो ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, ऑप्शन बी, संविधान के मूलभूत ढांचे से, सी, राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कोई भी कर सकता है, मतलब हम और आप भी कर सकते हैं, और चौथा है, राज्यों को संविधान में संशोधन किए बिना ही और स्वायत्तता प्रदान करने से। अब आपका समय शुरू होता है 10 सेकंड का। इसका सही उत्तर है ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। यहां पर आप जान ले कि ये जो निर्णय था ये नवंबर 1981 में आया था और निर्णय देने वाले जो न्यायाधीश थे वो थे वाई भी चंद्रचूड़, जो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं और उन्हीं के पुत्र डी वाई चंद्रचूड़ इस समय वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, ऑप्शन बी को अगर हम लोग देखें, संविधान के मूल ढांचे से, तो संविधान के मूल ढांचे पर कई सारे निर्णय आए हैं जिसमें कि केशवानंद भारती केस जो 1973 का था, मिनर्वा मिल केस जो 1980 का था, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कोई भी कर सकता है, मतलब हम और आप भी कर सकते हैं, ये निर्णय आया था जनवरी 2004 में जस्टिस बीएन खरे के कोर्ट के द्वारा या उनके द्वारा यह निर्णय दिया गया था। ऑप्शन डी को देखें, राज्यों को संविधान में संशोधन किए बिना ही और स्वायत्तता प्रदान करने से, ये जो प्रस्ताव था ये था एमसी शीतलवाड़ समिति का जो 1966 में आया था, किंद राजसमंद से संबंधित ये आयोग था जिन्होंने ये निर्णय सुनाया था एमसी शीतलवाड़ में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित में से किन किन वीटो शक्तियों का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? ठीक है, यहां आपको एक या एक से अधिक उत्तर का चयन करना है। एक नंबर पर लिखा हुआ है निलंबनकारी वीटो, जिसको अंग्रेजी में सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, फिर है विशेषित वीटो मतलब क्वालिफाइड वीटो, फिर है जेवी वीटो, और चौथा है आत्यंतिक वीटो जिसको अब्सोल्यूट वीटो भी कहते हैं। अब आपका समय शुरू हो रहा है। इसमें जिस वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है वो है 2 नंबर पर, जिसको कि विशेषित वीटो या क्वालिफाइड वीटो कहते हैं। इसका प्रयोग वास्तव में अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि 1, 3 और 4 भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वीटो पावर है या वीटो की शक्ति है। वीटो शक्ति के संदर्भ में अगर पूरी बात जाननी है तो मैंने यूट्यूब पर पहले ही राष्ट्रपति के वीटो पावर को अपलोड कर रखा है, आप उसको देखें तो उन स्थितियों का ज्ञान आपको हो जाएगा कि कब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वीटो का प्रयोग किया जाता है, उसके उदाहरण भी आपको वहां पर नजर आ जाएंगे। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है।
इस क्वेश्चन को देखें, लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस या वादानुवाद, जिसको अंग्रेजी में डिबेट कहते हैं, उसके लिए तारीख का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए को देखें, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री की सलाह पर अध्यक्ष द्वारा, मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। आप अपना आंसर करें। इसका सही उत्तर है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ये समय उनके द्वारा ही तय किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कुछ और बात जान लें। जैसे ये एक संसदीय प्रस्ताव है जो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। भारत में पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1963 में, मतलब चीन के युद्ध के बाद, जेबी कृपलानी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन प्रस्ताव गिर गया था, पारित नहीं हो पाया था। सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के समय में लाया है, कुल मिला लाया गया है कुल मिलाकर के 15 बार, लेकिन कभी भी ये पारित नहीं हुआ। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ही पहली बार जब सरकार गिरी, वो थी 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार। हालांकि सदन में मतदान से पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और कुछ ऐसी ही स्थिति प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के समय में भी 1999 में हुआ था, लेकिन मत विभाजन से पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन 1990 में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही हटाए गए थे। तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको कि 1990 में पदमुक्त किया गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संविधान का अनुच्छेद 243 बी किससे संबंधित है? चूंकि ये पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है, और झारखंड में खास करके पंचायती राज व्यवस्था पीटी के और सिलेबस में मेंशन है, और इसके अलावा भी पंचायती राज से प्राय क्वेश्चन आते हैं। तो इसके ऑप्शन को देखें, ऑप्शन ए है त्रिस्तरीय, मतलब 3 टीयर्स पंचायती राज संस्था से, ठीक है। ऑप्शन बी है ग्राम सभा के शक्तियों एवं कार्यों से, ऑप्शन सी है पंचायतों की अवधि से, और ऑप्शन डी है पंचायतों में आरक्षण से। आपका सही आंसर है ए, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था से, मतलब कि पंचायतों के गठन से। बाकी का भी आंसर जान लें। ग्राम सभाओं के शक्तियों एवं कार्यों से ये संबंधित है आर्टिकल 243 ए से। सी को देखिए पंचायतों की अवधि से, ये 243 ई है, और डी पंचायतों में आरक्षण, ये 243 डी है। यहां पर एक बात और जान लेना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को भी आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है, और अगस्त 2009 में केंद्र सरकार ने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान भी कर दिया है। बिहार पहला राज्य है जिसने कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। ये व्यवस्था झारखंड में भी लागू है, जहां महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाता है। कुछ बातें और भी पंचायती राज व्यवस्था से जान लेना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, और स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो विषय होते हैं वो राज्य सूची के विषय होते हैं। ऐसी स्थिति में अलग अलग राज्यों में पंचायती राज की संरचना भी कुछ अलग अलग दिखती है। जैसे कि बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज संस्था की व्यवस्था है, जबकि केरल और जम्मू कश्मीर में एक स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें सिर्फ ग्राम पंचायतें हैं। इसी तरीके से द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के भी उदाहरण मिलते हैं, जो कि तमिलनाडु में है, हरियाणा में है, उड़ीसा, पंजाब और दिल्ली में है, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा सामान्य तौर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है,
लेकिन राज्य सूची के विषय होने के कारण अन्य राज्यों में इस संदर्भ में कुछ अलग व्यवस्थाएं भी हैं जो मैंने आपको बता दिया। आप इसको निश्चित तौर पे नोट कर लें ताकि प्रारंभिक परीक्षा में अगर ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो आपके लिए ये आसान हो जाए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 संविधान की प्रस्तावना संबंधित है, जिसमें लिखा हुआ कि संविधान की प्रस्तावना से क्या अस्पष्ट नहीं होता है। इस सवाल का जवाब करने के लिए बेहतर होगा कि प्रस्तावना को आप जानें, प्रस्तावना में जो बातें हैं उसके अर्थ को भी समझे, तभी आप इसका उत्तर सही तरीके से कर सकते हैं। जैसे संविधान की प्रस्तावना से क्या अस्पष्ट नहीं होता है, 1 नंबर में लिखा हुआ है शासन का उद्देश्य, 2 नंबर में लिखा हुआ है संविधान के स्रोत, 3 पर है संविधान को लागू करने की तिथि, और 4 पर है संविधान को अंगीकृत करने की तिथि। ठीक है, जहां आपको एक या एक से अधिक उत्तर देखने हैं या ढूंढना है तो आप आंसर करें। इसका सही उत्तर है संविधान को लागू करने की तिथि, क्योंकि प्रस्तावना में संविधान को लागू करने मतलब 26 जनवरी 1950 का कोई उल्लेख नहीं है। अगर 1 नंबर को देखें जहां शासन का उद्देश्य, तो जब हम लोग कहते हैं कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो ये जो बात है ये इसके उद्देश्य को बताता है। संविधान के स्रोत को अगर हम लोग देखें कि इसका निर्माता कौन है, तो हम भारत के लोग यहां शुरू होता है, तो ये इसके स्रोत को बताता है कि भारत के संविधान के निर्माता हम भारतीय हैं। हालांकि हम लोग ये भी जानते हैं कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया, लेकिन संविधान सभा के सदस्यों को हम भारतीयों ने ही अधिकृत किया था, इसलिए संविधान के स्रोत हम भारतीय हैं। और चौथा ऑप्शन संविधान को अंगीकृत करने की तिथि, मतलब 26 नवंबर 1949 की बात की जाती है, जहां लिखा हुआ कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इसको अधिनियमित अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो प्रस्तावना का अच्छे तरीके से अगर आप विश्लेषण करके रखेंगे तो ऐसे सवालों के जवाब आप निश्चित तौर पर सही रूप में दे सकेंगे। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वो है क्वेश्चन नंबर 6। पेसा एक्ट 1996 मतलब पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया 1996 के अंतर्गत कौन सा उद्देश्य नहीं है। आप अपना ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन है जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्र घोषित करना, बी है पारंपरिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करना, ऑप्शन सी है स्वशासन प्रदान करना, और ऑप्शन डी है शोषण से मुक्ति प्रदान करना। इस प्रश्न का उत्तर है ए, जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्र घोषित करना, ये पेशा का उद्देश्य नहीं है, बाकी 3 जो हैं वो उसके उद्देश्य हैं। यहां पर यह भी जान लें कि अनुसूचित क्षेत्र की स्थिति का आकलन करने के लिए जून 1994 में दिलीप सिंह भूरिया के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उसी कमेटी के सिफारिश के आधार पर 24 दिसंबर 1996 को पेशा एक्ट लागू हुआ था, और ये जो पेशा एक्ट है वो भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र आते हैं, शेड्यूल एरिया आते हैं, उनके प्रशासन से संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में इसमें 10 राज्य शामिल हैं, जिसमें कि झारखंड भी शामिल है। यद्यपि पहले बिहार भी इसमें शामिल था, लेकिन जब बिहार का बंटवारा हुआ और झारखंड राज्य बना तो ये झारखंड में लागू हुआ, बिहार में ये व्यवस्था खत्म कर दी गई क्योंकि वहां पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। वित्तीय आपातकाल के उपबंध राज्य के वित्तीय स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है, ये कथन किसका है। ऑप्शन को आप देखें, आइवर जेनिंग्स, ग्रैनविल ऑस्टिन, भीमराव अंबेडकर और हृदयनाथ कुंजरू। इसका सही आंसर है डी, हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू, पहले हम लोग हृदयनाथ कुंजरू को ही याद कर लें। आपको याद होगा 1953 में जब भारत में राज्य पुनर्गठन
आयोग बना था फजल अली की अध्यक्षता में, तो के एम पन्नीकर के साथ हृदयनाथ कुंजरू भी उसके सदस्य थे। आइवर जेनिस का एक स्टेटमेंट आप निश्चित तौर पर नोट कर लें। इन्होंने पहला तो ये कहा था डीपीएसपी के संदर्भ में कि यह पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र है, मतलब कि नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में कहा था कि यह पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र है। ये वर्ड उन्होंने या ये लाइन उन्होंने नकारात्मक रूप से ही कही थी। इसके अलावा उनका एक और बात जो बड़ा महत्वपूर्ण है, इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान उधार का थैला है और वकीलों के लिए ये स्वर्ग है। ये आइवर जेनिंग्स का कहना है। अगर ग्रेनविल ऑस्टिन के को याद करें तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स संविधान की मूल आत्मा है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट संविधान की मूल आत्मा है। इसके अलावा भारत की संघात्मक व्यवस्था के प्रकृति पर जो विवाद चलता है, उस विवाद के संदर्भ में इन्होंने कहा था कि भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के भारत के विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ही भारतीय संविधान बनाया गया है। तो खैर, इसका सही उत्तर आपके सामने है जो कि हृदयनाथ कुंजरू है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से है और पिछले लाइव क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर हम कई सारी महत्वपूर्ण बातें आपको बताए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार आप जरूर उसको सर्च करें और देखें। इंडियन पॉलिटी पर एक पूरा क्लास था वो। खैर, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, किस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारत शासन अधिनियम 1850 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और डी है भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सही आंसर है सी, भारत शासन अधिनियम 1858। डिटेल जानने के लिए आप YouTube में सर्च करें। मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर पूरा एक क्लास है वहां पर, जिसमें देख करके आप बाकी के प्रोविजन के विषय में जान सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नांकित में से कौन सा अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी संपूर्ण भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी बलात् श्रम पर प्रतिबंध बैन ऑन फोर्सलेबर, और डी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही उत्तर है डी, संपूर्ण भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये जो अधिकार हैं ये आर्टिकल 19 के तहत आते हैं, और आर्टिकल 19 में जो 6 फ्रीडम दिया गया है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए आपको ये जान लेना चाहिए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, बाकी अधिकार जो हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, बलात्कार पर प्रतिबंध और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये निश्चित तौर पर विदेशियों को प्राप्त होगा, लेकिन संपूर्ण भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता उनको नहीं प्राप्त है। अब आते हैं हम लोग इस सेट के आखिरी प्रश्न पर, वो है 10वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी महिला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रही है? ऑप्शन है आपका बेला त्रिवेदी, वी नागरत्न, हिमा कोहली, वी एस रमा देवी। ठीक है, वी नागरत्न लिखा गया, उसको नागरत्न पढ़ेंगे कृपया। ठीक है, अब आपका समय शुरू हो रहा है।
आपका सही उत्तर है वीएस रामा देवी या रामा देवी। दरअसल वीएस रामा देवी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश कभी नहीं रही, बल्कि ये राज्यसभा की पहली महिला और एकमात्र महासचिव रही हैं, जो कि 1993 से 1997 तक इस पद पर थी। बेला त्रिवेदी, वीवी नागरत्न, हिमा कोहली, इनके अलावा 8 और महिला हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रही हैं, जिसमें आप सब जानते हैं कि फातिमा बीबी पहली महिला थी जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी थी। अगर आप अन्य महिला न्यायाधीशों का नाम जानना चाहते हैं तो टोटल, जैसा कि मैंने बताया कि 11 है, आपके ऑप्शन से 3 निकल करके आ रहे हैं। इसके अलावा आप फातिमा बीबी, अन्य नामों को आप नोट कर लें, रंजना प्रकाश देसाई, सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, आर वनुमति और इंदु मल्होत्रा के अलावे इंदिरा बनर्जी। ये टोटल 8 महिला ऐसी रही हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर काम किया है। तो ये आपका 10 का सेट। अगला सेट जो हम लेकर के आएंगे वो किसी और विषय से संबंधित होगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, इसी तरीके से आपको आगे भी इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।